हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों का जो है कमेंट था एक ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में बताएं, तो इसीलिए हम आज जो है आपको हायर का 5 स्टार रेटेड जो कि 2024 का मॉडल मिलता है वो भी 5 स्टार रेटेड और ये ग्लास डोर में आता है स्टैंड के साथ। अगर आप एक अच्छा रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं सिंगल डोर में तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आप अपना हार्ड एंड मनी जो है सही प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख लीजिए, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रेफ्रिजरेटर बेस्ट होगा। तो चलिए इस ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर को हम अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग बाद इसके रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन दे देंगे जिससे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना बचे। यार चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसको अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, इस हायर के रेफ्रिजरेटर को हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है और ये हायर का आपका 2024 का मॉडल है, 2024 का मॉडल है और ये ग्लास फिनिशिंग के साथ आता है। ग्लास टफिन ग्लास यूज किया गया है इस मॉडल में और ये 5 स्टार फ्रिज मिलता है। अगर इसके लुकिंग के बारे में बात करें, इसका क्वालिटी के बारे में बात करें तो हायर जो है काफ़ी अच्छा मेटल यूज करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको इसमें फ्रिज देखने को मिलेगा और 3D फ्लावर के साथ आता है, तो फ्लावर काफ़ी अच्छा डिजाइनिंग के साथ मिलता है। प्लस ये स्टैंड बेस है, अलग से आपको मार्केट में इस फ्रिज में स्टैंड भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखिए, मार्केट में जाएं तो आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए रेफ्रिजरेटर के बारे में सो बताते हैं। नंबर 1 स्टार रेटिंग, इसका स्टार रेटिंग क्या है, 1 स्टार से 5 स्टार तक आपको मार्केट में फ्रिज देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये जो है 5 स्टार रेटेड है, 5 स्टार सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर माना जाता है। ये 5 स्टार है, अगर आप इसे 1 ईयर कंटिन्यू चलाते हैं तो 136 यूनिट लेगा आपको। 1 ईयर कंटिन्यू चलाइएगा तो उतना यूनिट जो है आपका ये एनर्जी जो है खपत करेगा, लेकिन डिपेंड इस पर करता है कि आप इसे यूज कैसे करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू यूज कीजिएगा तो कंपनी बोल रहा है कि आपका इतना एनर्जी खपत करेगा, लेकिन हमारे बिहार हो या जो है जिस भी आप शहर में रहते हैं वहाँ पर देख लीजिए कि ठंड के मौसम में फ्रिज जो है थोड़ा कम उपयोग होता है, तो उस अनुसार इससे कम बिजली भी आपका ये खपत कर सकता है। और इसका टोटल जो है लीटर कैपेसिटी के बारे में बात करें तो ये टोटल नेट कैपेसिटी आता है 190 लीटर्स के साथ आता है। 190 लीटर तक आप इस फ्रिज में स्टोरेज कर पाइएगा। तो अगर आपसे आपके घर में 3 से 4 मेंबर हैं तो उसके लिए ये काफ़ी स्टोरेज होता है, इनफ है आपके लिए। 3 से 4 मेंबर अगर आपके घर में हैं तो 190 लीटर स्टोरेज काफ़ी बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल नंबर 1 ब्रांड, 1 आवर आइस टेक्नोलॉजी। हायर का कहना है कि आपको ये रेफ्रिजरेटर 1 घंटा में आइस क्यूब बना के दे देगा। ये हायर का बोलना है, ये हम टेस्ट नहीं किए हैं। ठीक है, हायर का आपका बोलना है कि 1 घंटा में आपका ये बर्फ़ बना के दे देगा। फ्लेक्सिबल सेल्फ आपको इसमें देखने को मिलेगा। स्टेबलाइजर ऑपरेशन, अगर आप इसे विथाउट स्टेबलाइजर चलाइएगा तो इसका जो वोल्टेज रेंज है 135 वोल्ट से लेके आपका 290 वोल्ट तक ये विथाउट स्टेबलाइजर भी वर्क करेगा, क्योंकि इसमें जो कंप्रेसर यूज किया गया है वो है इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि आपके घर के इन्वर्टर पर भी चलेगा प्लस वेरिएबल स्पीड पर वर्क करता है, जिसके कारण कम वोल्टेज पे भी चलेगा। तो 135 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक आपका ये फ्रिज जो है वर्क करने वाला है। ये कनेक्ट टू होम इन्वर्टर, घर के इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं। उसके बाद आता है 10 ईयर वारंटी ऑन कंप्रेसर। आपका फ्रिज का जो है कंप्रेसर सबसे मेन पार्ट होता है, कंप्रेसर उसी का काम कर है जो है आपको फ्रिज का जो है कूलिंग करने का काम होता है कंप्रेसर का, तो कंप्रेसर का कंपनी आपको 10 ईयर वारंटी देगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें आपको 10 ईयर वारंटी देता है कंप्रेसर और 2 साल देता है कंप्रहेंसिव, आपके ऑल प्रोडक्ट को वारंटी मिलेगा कंपनी की तरफ से 2 साल, जिसमें आपको सर्विस चार्ज भी पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन टूटने फूटने का आपको कंपनी वारंटी बिल्कुल नहीं देता है। 2 साल कंप्रहेंसिव, 10 ईयर कंप्रेसर, तो ये सभी इस जो आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी भी होना चाहिए। अब देखिए, इसके जो है अंदर के रिलेटेड हम आपको जानकारी देते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ देखिए, ये डोर में आइए, यहाँ पे दूध का बोतल, पानी का बोतल जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। यहाँ पे मेडिसिन के लिए अगर कोई दवाई ऐसा है जो फ्रिज में रखना पड़े तो उसके लिए आपको अलग से दे दिया है, कॉस्मेटिक सामान हो जिसे इसमें रख सकते हैं मेडिसिन बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 और दिया गया है। यहाँ पे आप जो है बड़ा साइज़ का बोतल के बारे में बात करें तो इसमें आप 1 से 2 ही जो है 2 लीटर प्लस बोतल रख सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर उससे छोटा बोतल आपको रखने को देखने को मिलेगा, उससे छोटा बोतल रखिएगा।
का, और दो बोतल आप जो है बड़ा साइज का रख सकते हैं 2 लीटर प्लस का। यहाँ पे फिर छोटा बोतल आप रख सकते हैं पानी का, ठीक है। ये आपका ऊपर में देख लीजिए, ये फ्रीजर चैम्बर हो गया, फ्रीज जोन। इसमें जो है आपका 1 घंटा में आइस क्यूब बन के तैयार हो जाएगा। इसमें अगर आप रखते हैं तो 1 घंटा में बर्फ़ आपका बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये फास्ट आइसिंग के साथ आता है। यहाँ पे आपका हाई चिल चैम्बर दिया गया है, यहाँ पे सेल्व दो आपको दिया गया है, इसमें 3 मिलता है, जो कि आपको टफेन ग्लास है, इस पर भी 108 kg तक भी वेट दीजिएगा तो आपका ये टूटने वाला नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, नीचे आइएगा थोड़ा सा तो यहाँ देखिए 2 बॉक्स आपको देखने को मिलता था, जो कि सिंगल डोर में एक हायर ही अभी जो है आपको 2-2 बॉक्स दे रहा है। एक हो गया आपका ये वाला फ्रूट बॉक्स, और उसके नीचे में देखने को मिलेगा वेजिटेबल बॉक्स। फ्रूट बॉक्स अलग कर दिया है, जो कि डबल डोर में आपको देखने को मिलता था, लेकिन हायर इस मॉडल में आपको सिंगल डोर में भी फ्रूट बॉक्स अलग कर दिया है और वेजिटेबल बॉक्स अलग कर दिया है। तो अपने उपयोग के अनुसार आप दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, एक नीचे में आपको जो है ये मिलता है स्टैंड, जो कि अलग से मार्केट में आपको स्टैंड नहीं परचेस करना पड़ेगा, ये ड्रॉल स्टैंड है, और इसके अंदर जो है आप आलू प्याज भी स्टोरेज कर पाइएगा, लेकिन इसके अंदर कूलिंग नहीं करता है, ठीक है। फ्रिज के अंदर कूलिंग करेगा, लेकिन इसमें आपका कूलिंग नहीं करता है, तो आलू प्याज भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपका टेम्परेचर कंट्रोल के लिए दे दिया गया है नोब, यहाँ से आप जो है टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। 1 से लेके यहाँ पे 7 तक दिया गया है, 1 पर सबसे कम कूलिंग करेगा, 7 पर डालिएगा सबसे अधिक कूलिंग करेगा। और मौसम के अनुसार, विंटर सीजन है, मानसून सीजन है, समर का सीजन है, जो मौसम है उस मौसम के अनुसार आप जो है आप यहाँ से इसको सेटअप कर पाइएगा। और देखिए, एक बटन है, इसे कहते हैं डिफॉर्स बटन, इसका उपयोग हम कब करेंगे सो बताते हैं, या आप यहाँ पे देखिए जानकारी ले सकते हैं कि किस मौसम में कितना पॉइंट पर हमको रखना है, यहाँ पे भी आपको पूरा जानकारी दिया गया है। डिफॉर्स का कैसे हम बताए थे आपको, डायरेक्ट कूल फ्रिज है, तो इसके अंदर जब बर्फ़ जमेगा ना तो क्या होगा, आप जो भी चीज़ रखिएगा, कोई आइसक्रीम बना रहे हैं या कोई भी बर्तन इसमें डाले हुए हैं, तो वो जो है इसमें चिपक जाता है। तो उस समय आपको क्या करना है, ये ई डिफॉर्स बटन को ऐसे 3 सेकंड के लिए पुश कर दीजिएगा, तो जितना भी बर्फ़ होगा वो जो है पिघल जाता है, पानी बन जाता है। उसके बाद स्टोर आपके जो है, एक पीछे में कंटेनर है वो दिखा देते हैं, उसमें आपका जो है पानी स्टोर हो जाता है। यहाँ पे इसका लाइट आपको देखने को मिलेगा, तो आपके नए उपयोग के अनुसार इस फ्रिज को आप जो है कंट्रोल कर पाइएगा। फ्रेंड्स, इस फ्रिज के रिलेटेड जितना भी जानकारी था सो हमने आपको दे दिया, जिससे आप डिसाइड कर पाए कि आपको अच्छा फ्रिज कैसे परचेस करना है। तो देखिए, मार्केट जाइएगा, नंबर 1 स्टार रेटिंग, अपने उपयोग के अनुसार देख लीजिए कि आपके घर में मेंबर कितना है, कितना लीटर आपको फ्रिज परचेस करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे घर में 2 से 3 मेंबर हैं, हम जाके बहुत बड़ा फ्रिज परचेस कराएं, तो वो आपका पैसा इन्वेस्ट करना हुआ, ठीक है, पैसा वेस्ट करना हुआ। तो आप देख लीजिए आपका जो उपयोग है उस अनुसार ही आप फ्रिज जो है मार्केट में जाके परचेस करें। तो इस फ्रिज के बारे में बात करें तो नंबर 1 पहले इसका मॉडल हम बताते हैं। इसका मॉडल है HRD-2105PDG, यही मॉडल हुआ परफेक्ट। अगर यही फ्रिज आपको परचेस करना है तो इसका मॉडल आप नोट कर लीजिए, HRD-2105PDG। मार्केट में जाइएगा, ऑफलाइन में भी आप जाके देख सकते हैं, ये मॉडल बोलिएगा तो आपको दुकानदार जो है दिखा देगा। तो आप मॉडल जानकारी लीजिए, उसके बाद ही आप सही परफेक्ट जो है मॉडल परचेस कर पाइएगा। तो ये 5-स्टार फ्रिज है, 1 ईयर में काफ़ी बेस्ट है फ्रिज, जो है एनर्जी खपत भी कम है। लेकिन बजट के अनुसार इसका जो प्राइस रेंज है वो हम आपको बता देते हैं। इसका प्राइस है 29,490 रुपया MRP हुआ मार्केटिंग प्राइस, और डिस्काउंट प्राइस जो है आप इसे परचेस कर सकते हैं 20,499 रुपये में। वैसे फ्रेंड्स, ये जो है ऑफलाइन का हम आपको प्राइस बता रहे हैं, आप देख लीजिए, आप जिस भी शहर में रहते हैं या आपको ऑनलाइन परचेस करना हो, ऑनलाइन इसका मॉडल डाल के आप चेक कर सकते हैं, इसका प्राइस अप या डाउन हो सकता है। तो अभी जो करेंट प्राइस है इसका 20,499 रुपये में, ये हायर का 5-स्टार स्टैंड के साथ इस फ्रिज को परचेस कर सकते हैं। आप देखिए प्रोज एंड कॉन्स में बताएं, तो सबसे अच्छा इस फ्रिज का क्या है, लुकिंग काफ़ी बेहतरीन है। फ्रिज को परचेस करने का मेन पर्पस है कि ये ग्लास डोर के साथ है, इसमें स्क्रेच आपको देखने को नहीं मिलेगा, और कंपनी का कहना है 25 साल तक भी आपका जो है इस रेफ्रिजरेटर का कलर नहीं जाने वाला है। तो काफ़ी बेहतरीन मिलता है, जो कि आपको नॉर्मल फ्रिज में, इसी का जो विदाउट ग्लास का मॉडल आता है उसमें आपको कुछ समय बाद कलर जो है जाने लगता
जाता है, लेकिन आपको इसमें कलर बिल्कुल ही ऐसा देखने को मिलेगा 25 साल तक, क्योंकि ये 3D कलर है, काफ़ी बेहतरीन आएगा और प्लस स्क्रेच नहीं लगेगा। तो ये लुकिंग वाइज काफ़ी बेस्ट आपको फ्रिज देखने को मिलता है। अब देखिए कौन बड़ा इस टेक्नोलॉजी के साथ है, तो फास्ट जो है आपको बर्फ़ भी बना देता है। तो देख लीजिए आपके बजट रेंज में अगर ये फ्रिज आ रहा है तो बिल्कुल आप परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मॉडल है, आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन परचेस करने से पहले आप ये देख लीजिए आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे हायर का सर्विस सेंटर उपलब्ध है या नहीं है। अगर उपलब्ध नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए एक बार जो है चेक कर लीजिए इसके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके, क्योंकि ये सब बिग प्रोडक्ट होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको होम सर्विस मिलना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए एक बार कॉल करके जानकारी ले लें, उसके बाद ये फ्रिज आप परचेस कर सकते हैं। आप वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छा लगा है आपको, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं एक न्यू प्रोडक्ट के साथ।